ये लंच बॉक्स बनाते टाइम ना मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। एक्चुअली ये मेरी रियल लाइफ फनी स्टोरी मान लो आप। ठीक है, तो क्या हुआ था, एक बार मेरा बर्थडे था, मतलब हम लोगों के बर्थडे पे ना जब हम छोटे थे तो टीचर्स को और बच्चों को ना कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब तो चॉकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते, पर हम जब छोटे थे ना तो कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक बार मेरा बर्थडे आया और उस वक्त ना मेरे को मैंगो वाइट बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी मैंगो वाइट। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, मैं मैंगो वाइट लेके आई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और मम्मी ने बोला था कि टीचर्स को ना चार चार दे देना और बच्चों को दो दो दे देना। तो मेरे दिमाग में आया खुराफाती आइडिया, मैंने सोचा बच्चों को तो मैं दूंगी सिर्फ एक एक और टीचर्स को दे दूंगी दो दो। उसके बाद ना मेरे पास करीब 50-70 पता नहीं कितनी कैंडीज बची थी, और पता है मैंने सारी कैंडीज ना स्कूल में फिनिश कर दी, सारे कचरा ना बैग में भर लिया, बैग एकदम फुल हो गया कचरा ही कचरा से। अब बाहर तो फेंक नहीं सकते थे, नहीं टीचर्स मारेंगे। ठीक है, सारी कैंडीज खा ली मैंने, सारी मैंगो वाइट खा ली, सारी फिनिश कर दी। और उसके बाद ना मेरे को मैंगो वाइट से इतनी गंदी नफरत हुई ना, इतनी गंदी नफरत हुई उससे, मैं अभी तक भी, मैंने एक भी मैंगो वाइट अभी तक भी नहीं खाई है। चलो यार, हमारा कैंडी लंच बॉक्स भी रेडी हो गया, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैंडीज रखी है। होप कि ये सब आप लोगों को अच्छी लगेंगी। और आज की वीडियो को शॉर्ट आउट प्रीति खन्ना को जाता है, और अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो #fundishoodie। ठीक है, और मुझे नेक्स्ट लंच बॉक्स कमेंट करके बताओ मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर नहीं किया है तो। बाय।